माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली मध्य प्रदेश की पहली पर्वतारोही मेघा परमार ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ के सामने पार्टी की सदस्यता ली है। मध्य प्रदेश के परासिया जिले में नारी सम्मान योजना के कार्यक्रम के दौरान देश की चर्चित पर्वतारोही मेघा परमार ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। पूर्व सीएम कमलनाथ के सामने मेघा ने पार्टी की सदस्यता ली। वहीं सदस्यता लेने के बाद मेघा ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि वे छोटे से गांव भोजनगर की निवासी हैं, जहां पहाड़ पर चढ़ना तो दूर, पहाड़ पर चढ़ने की सोच तक लोगों के मानस में नहीं आती है। इस छोटे से गांव से निकलकर दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर एवरेस्ट पर पहुंचने में कमलनाथ का सबसे अधिक योगदान है। अगर कमलनाथ सरकार 25 लाख की सहायता नहीं देती तो वे कभी एवरेस्ट पर तिरंगा लहराने का सपना पूरा नहीं कर पाती। दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचाने में आपका मनोबल और हमारे मंच के मध्य में मौजूद आदरणीय कमलनाथ, माननीय कमलनाथ महोदय जी का सबसे बड़ा योगदान रहा है, सबसे बड़ा योगदान रहा है। वरना भला कैसे संभव हो सकता था कि एक ऐसे पिता जो लाइलोन के जूते पहनते हैं, जिसका घर चद्दर का है, जिसकी बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ी हुई है, वो कैसे दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर 25 लाख की राशि इकट्ठी करके पर्वतारोहण को सफल बनाती। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।